नमस्कार, मैं हूं गिरेश और आप देख रहे हैं इन खबर। भारत और श्रीलंका के बीच T20 के बाद अब टेस्ट मैच की सीरीज खेली जा रही है। भारत ने श्रीलंका को पहली पारी समाप्त होने के बाद 575 रनों का लक्ष्य दिया है। इस पारी में जिस ऑलराउंडर प्लेयर ने सभी की निगाहें अपनी ओर खींची हुए थे रविंद्र जडेजा ने इस पारी में अपने टेस्ट करियर की सबसे शानदार पारी खेलते हुए एक नाबाद 174 रन बनाए और एक नया रिकॉर्ड भी कायम किया। आपको बता दें, रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में 7वें नंबर या उससे पहले खेलने के लिए आने वाले बल्लेबाज के रूप में नाबाद 174 रन बनाने वाले पहले ऐसे भारतीय क्रिकेटर बन चुके हैं। इससे पहले ही और रिकॉर्ड पूर्व क्रिकेटर कपिल देव के नाम था। उन्होंने 1986 में श्रीलंका के विरुद्ध ही 163 रन की पारी खेली थी। हालांकि इस लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत का भी नाम शामिल है, लेकिन सबसे ज्यादा रनों के साथ अब रविंद्र जडेजा टॉप पोजिशन में आ चुके हैं। रविंद्र जडेजा ने न केवल बल्ले के साथ बल्कि गेंदबाजी में भी उनका कमाल देखने को मिल रहा है। अब तक रविंद्र जडेजा ने इस मैच में श्रीलंका के 2 अहम विकेट चटके हैं और आने वाले दिनों में वे टीम के लिए और महत्वपूर्ण विकेट चटक सकते हैं। तो रविंद्र जडेजा न केवल बल्लेबाजी गेंदबाजी बल्कि फील्डिंग में भी, आप जानते हैं किस तरह जड्डू एक हाथ से कैच पकड़ते हैं और टीम को बड़े बड़े बल्लेबाजों का विकेट दिलवाते हैं। खेल जगत की तमाम नई अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इन खबर।